अभी एक आंसर सर अभी हिंदी हिंदी में बोलना है हिंदी में ये मणिपुर के वजह से एक बार एक आ, बात देगा तो सब लोग एक इकट्ठा होने के लिए एक अच्छा प्रस्ताव होता मणिपुर के जो जो कार्रवाई जो मामला जो आ, संभव हो रहा है वो उसके उसके बारे में हर एक इंसान सारा दुनिया का हर धर्म का हर जात का हर एक इंसान शर्मिंदा होने का आवश्यकता है और सारे हिंदुस्तान के लोग हर पार्टी के हर मज़हब हर धर्म के लोग इकट्ठा होके आने वाले चुनाव में इन लोगों को एक सबक सिखाने का ज़रूरत है मैं पूरे दिल से मैं बोलता हूँ प्रधानमंत्री जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब अमित शाह साहब होम मिनिस्टर ये लोग भी इसके लिए वो लोग भी ज़िम्मेदारी लेने का वो लोग ही उसके लिए कारण है वो लोग खुद करवा रहे हैं बोल के ऐसा बात मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मोदी साहब के पीछे अमित शाह साहब के पीछे बीजेपी पार्टी के पीछे और बड़े बड़े लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर को बिठा सकते हैं फिर वो उनसे सिंहासन से उतार भी सकते हैं गवर्नमेंट को बना सकते हैं गवर्नमेंट को गिरा सकते हैं ऐसे बड़े बड़े लोग हैं उसको बोलते हैं संघ परिवार संघ परिवार के एक तीस चालीस लोग एक थिंक टैंक रहता सोचने वाला सिद्धांत बनाने वाले वैसे लोग जो उनके हाथ में ये लोग तो गुड़िया है ये लोग तो खेलने की गुड़िया वो बड़े बड़े ताकत है वो लोग बड़े बड़े फोर्सेस है वो लोग बड़े बड़े लीडर लोगों को भी एक हुक्म देके उसको चलाते हैं खेल खिलवाते हैं ऐसे मौके पे अगर प्रधानमंत्री अगर चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकेंगे नहीं। अगर होम मिनिस्टर साहब कुछ चाहे भी तो कुछ अच्छा काम नहीं कर सकेंगे नहीं। नहीं। उनके पीछे जो बड़े बड़े ताकत है बड़े फोर्सेस से शक्ति है वो लोग उनके बात सुनना पड़ता वो लोग क्या बोलते हैं कि इस दुनिया में इस देश में ईसा लोग हमारे दुश्मन हैं, और मुसलम मुसलमान लोग हमारे दुश्मन हैं इस देश में वो लोग आ, वो अलग धर्म में जीने के लिए वो नामुमकिन बनाना असंभव बनाना वो लोगों को डरा देना है घबराहट पैदा करना है अगर हम इस देश में रहना है तो हिंदू बन के रहना हिंदुओं का राष्ट्र है ऐसा एक सिचुएशन पैदा करेंगे बोल के वो बड़े बड़े लोग थिंक टैंक जो है ना संघ परिवार वो लोगों का कहना है अब मोदी जी कुछ अच्छा काम करना भी चाहते हैं तो वो लोग करने नहीं देंगे भी एक निमित्त मात्र है केवल निमित्त है बोलते है हिंदी में दैट मींस इज ओनली डिसीजन मेकर नहीं है डिसीजन मेकर और कोई है निर्णय लेने वाले पॉलिसी बनाने वाले और कोई है पीछे उनके पीछे है अब प्रधानमंत्री साहब उनका निर्णय को अमल करना है बहुत सुतना है ऐसा सिस्टम चल रहा है तो इसलिए सारा देश के हर पार्टी के हर धर्म के हर मजहब के हर जात के लोग जो संविधान को गौरव करते हैं आदर करते हैं बाबा साहेब अंबेडकर के जो विचारधारा है इसको मानते हैं वैसे सब लोगों को एक मंच पे आना अभी देश की जरूरत है देश की जरूरत है देश को बचाओ देश को जोड़ो बोल के आजकल राहुल गांधी ने एक आ, क्या बोलते पूरा कंट्री में पूरा चल के देश में पूरा चल के उन्होंने एक स्लोगन दिया देश को जोड़ो भारत जोड़ो आ, देश को बचाओ नहीं। नहीं। लेकिन मैं बोलता हूँ एक जमाने में अंग्रेजों से अंग्रेजों से ब्रिटिश पीपल से ए देश को बचाओ बोल के एक स्वतंत्र स्वतंत्र भारत के लिए इंडिपेंडेंस के लिए हम जंग कर रहे थे अब ये संघ परिवार से देश को बचाओ ऐसा जंग करने का भी जरूरत पैदा हो गई आवश्यकता ये है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि बीजेपी से बचाओ ऐसा नहीं हाँ क्योंकि नागालैंड में अदर स्टेट्स में दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी उधर बैप्टिस्ट चर्च में जाके हालेलुया लुया बोले और क्रिश्चियन गाना भी गाए गाए गाना भी ये लोग क्रिश्चियन लोगों से मिलजुल के रहना बोल के बीजेपी लीडर्स भी चाहते हैं क्योंकि क्रिश्चियंस का वोट भी चाहिए लेकिन इनके पीछे तो जो बड़े बड़े ताकतें हैं ना वो ऐसा संभव नहीं होने देंगे ये so, दोनों को अलग अलग करके देखने का कर जरूरत है okay. हम मोदी साहब के खिलाफ नहीं है अमित शाह साहब के खिलाफ नहीं है हुँ. बीजेपी के भी खिलाफ नहीं है लेकिन बीजेपी को गलत रास्ते पे जो चला रहे हैं वो संघ परिवार के हम खिलाफ है ओके okay. यह है ए, 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 स्पष्ट रीत से स्पष्ट रूप से अपन जानना चाहिए हुँ. एक माइंड में क्लैरिटी लेना चाहिए हुँ. तो हमारे दिल में तो मैं ये चाहता हूँ बीजेपी के नेता लोग भी अपने आप से अपने दिल से वो लोग सोच के संघ परिवार के पॉलिसीज को अमल करना बंद करके जो अपना मन बोलता है जो उनके उनके जो जो वो लोग पूजा करने वाले अच्छे अच्छे देवता लोग हैं वो लोग इनका जो नीति जो उनके राइचसनेस है वो पूरा अमल करने के लिए ये लोग एक इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर्स बनना चाहिए ऐसा मौका आए थोड़ा बाकी पूरे पार्टी के लोग इकट्ठा होके आप संविधान के जरिए से बाबा साहब अंबेडकर विचार के विचारधारा के अनुसार अगर चले ही तो आपको पावर मिलेगा अधिकार मिलेगा शासन में बैठ सकते हैं बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के खिलाफ अगर विरोध में अगर आप चले तो अधिकार आपके हाथ में नहीं आएगा ऐसा सबक उनको सिखाने का जरूरत है ऐसा नहीं चलेगा ऐसा ये लोग एक धर्म के लोग ईसाई लोग इधर नहीं रह सकते मुस्लिम लोग नहीं रह सकते उसको फंडामेंटल राइट्स हम नहीं देंगे हक नहीं देंगे ऐसा बोलने का सब गलत है ये लेसन उनको सिखाना है सिखाने के लिए सब लोग इकट्ठा होने का अभी आवश्यकता है बहुत ही जरूरी चीज है इसके लिए मैं अपील करता हूं हम किसी के भी खिलाफ नहीं है अन्याय के खिलाफ है हम किसी आदमी से पार्टी से विरोध नहीं करते हैं हुँ. नाइन साफी जो है उसके हम विरोध करते हैं। okay. नाइन साफी से इनजस्टिस से जो विरोध करने वाले सब लोग एक मंच पर आना इकट्ठा होना ये तो अभी देश की जरूरत है जब तभी आप देश को बचा सकते हैं नहीं तो देश पूरा बर्बाद हो जाएगा